स्पीड तो नहीं स्पीड होते रहे, लेकिन फीड और लीड स्क्रू को जो हरकत हम लेते हैं वो हम इधर एप्रन से लेते हैं। कंपाउंड स्लाइड जिस तरह हमने आपको समझाया कि आप लोगों ने किसी डिग्री पे वो करना है, टेपर करना है, तो ये कंपाउंड स्लाइड है हमारे पास, लेकिन इसके नीचे वाला जो स्लाइड है आई थिंक जो नहीं है। हाँ इधर ये फुल पोस्ट है, फुल पोस्ट के नीचे ना ये जो हिस्सा है ये हमारा क्या है, कंपाउंड रेस्ट है। कंपाउंड रेस्ट है, इससे हम जो डिग्री लगी होती है वो फिर हम इधर से नहीं चलाते, याद रखो ऐसा ना हो कि आपने 21 डिग्री दिया है, 8 मिनट पे भी सेट किया है, इधर निशान ग्रेजुएशन देख रहे हैं ना, और चला आप इधर से रहे हो, बिल्कुल सीधा कटिंग होगी, कोई टेपर नहीं आएगा। ठीक है, टेपर के लिए ये लाजमी है कि जैसे ही आपने कोई डिग्री सेट की फिर आप इधर ही से लगाए तो वो ऑलरेडी टेपर पे है, तो कैसे लगाएगा। ठीक है ना, ये और ये हिस्सा जो है इसे इधर ये वाई है और ये एक्स में हम काट देते हैं। हाँ ये एक्स में है, हाँ ये एक्स में है। ठीक है, हालांकि सीएनसी में हम जब उस मशीन को देखते हैं तो इसको हम वाई से सॉल्व करते हैं। और ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये ऑटोमेटिक फीड से भी हम काट सकते हैं, लेकिन अभी हम बिगनर है, शुरुआत है हमारे, तो हम सिंपली मैनुअली तरीके से जितने भी हैंडल्स लगे